नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। जहां तक जाती है दृष्टि वहां तक ओलावृष्टि। जी हां, सोनीपत के गोहाना क्षेत्र के 8 गांव की जमीन पर 3 इंच मोटे ओलों की बरसात हुई और चादर बिछ गई। इससे फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अचानक बारिश, ओलावृष्टि, थंडर क्लाउड बनने से होती है। वहीं किसानों की फसलें भी तबाह हो चुकी हैं, जिसके कारण मौसम विभाग चंडीगढ़ के निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र पाल के अनुसार ओलों के असर से ठंड बढ़ेगी और 20 जनवरी तक पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है। जनवरी के अंत तक ठंड बनी रहेगी। फरवरी से पहले का सप्ताह कुछ राहत मिल सकती है। फरीदाबाद, पलवल और नूह के भी कुछ इलाकों में हल्की ओलावृष्टि हुई है। तेज हवाओं के साथ बारिश व ओलावृष्टि के कारण दिन भर ठंड बढ़ गई। इन इलाकों में अधिकतम तापमान 4 डिग्री तक गिर गया। हिसार में यह सबसे कम 12.9 डिग्री रहा, जो सामान्य से 7 डिग्री कम था। सिरसा में रात का पारा 4.4 डिग्री था। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को प्रदेश में उत्तरी हिस्से में बारिश हो सकती है। वहीं अन्य जिलों में भी कहीं कहीं गहरी धुंध छा सकती है। पश्चिमी विक्षोभ 20 जनवरी पर फिर असर दिखा सकता है। इससे 21 को बारिश हो सकती है। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट।